अच्छा दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कनाडा में हूँ और शाम का 8 बज रहा है कनाडा टाइम। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एक चोटी पे आया हूँ। चोटी से मुराद अपिना हिल। और वहाँ पर सब फार्मर मतलब किसान, तमाम किसान काश्तकारी करते हैं और यहाँ छोटे छोटे से दुकान थे, ठीक है। और आप ध्यान से देखें कि हम लोग देसी अंडा खरीदने आए हैं। और देसी अंडा खरीदने जब हम लोग आए हैं यहाँ पर, इस तरह से एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से रखा रहता है अंडा, ठीक है। और हम खुद अपने मर्जी से निकालते हैं और ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से, जो हमारा इस्लाम सिखाता है, हम अपने पूरे ईमानदारी से इसको निकालते हैं इस अंडे को, और अपनी ईमानदारी से वो पैसा इसमें हम लोग डाल देते हैं इस बॉक्स में। जो हाल आज से 1400 साल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितने का है, ये दाम लिखा हुआ है, ठीक है। हम उतने ही अंडा लेंगे और फिर उतना पैसा इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ कोई ना आदम ना आदमजात है, मैं अकेला आया हूँ और मेरे बड़े भाई ड्राइव करके लाए हैं। और ये देखिए, अब आप सोचिए कि जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है और जो हमारे मक्के में जो इस तरह का माहौल होता था आज से 1400 साल कब्ल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, कमी वैसी माफ़ कर अल्लाह, तो इसी तरह का माहौल होता था। यही इस्लाम है, मगर आज गोरों ने इसको इस्तेमाल किया है और हम इनसे दूर हो चुके हैं। तो इससे एक सबक मिलता है, इससे एक सबक। देखिए अभी मेरे भाई ने इसमें पैसा डाला, यहाँ कोई नहीं है। मेरे भाई ने $10, $20, $30 डाला और अपने हक ईमानदारी से वो एग ले रहे हैं। 1, 2, 3 आपने देखा, 3 लिया इन्होंने, ठीक है। ये हमारा है, हमने पैसा डाल दिया, अब इसे हम बंद कर देंगे। तो बात अब आते हैं कि मुझे ये दिखाने का मकसद क्या है, ये आपको समझना होगा। मुझे दिखाने का मकसद ये है कि जो ईमानदारी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाया, ये गोरों ने अपना लिया और हम इससे दूर हैं। आज मक्के में भी ये नहीं होता है? आप सोच के देखें, आज मक्के में इस तरह का माहौल है, आप सोच के देखें। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, चुभेगी आप लोगों को, मगर यही हक है और इंशाअल्लाह इससे एक सबक आपको मिलेगा। मैं इस सबक को अपने घर लेके जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सबक आप भी अपने बच्चों को सिखाएं और हमारा जनरेशन, यही आने वाला नस्ल चेंज कर सकता है। तो प्लीज़ इस सबक को आप ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें और इस सबक की ज़रूरत तमाम उम्मा को है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।